नमस्कार दोस्तों, मैं चिन्मय और आप देख रहे हो चिन्मय देव ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ एक ऐसा एप्लीकेशन के बारे में जिसके मदद से ना आप फोटो का जो कोई भी फोटो होगा उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, बिल्कुल ही चुटकी में, एकदम चुटकी बजाते हो जाएगा आप लोगों का। बताने से पहले मैं और एक बात बताना चाहूँगा, इंडिया कल जीत गया है, इसके वजह से मैंने 2 दिन ब्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि मैंने मन ही मन कसम खा लिया था जो ब्लॉग नहीं बनाना जब तक इंडिया नहीं जीतेगा। इंडिया जीत गया, ब्लॉग बना रहा हूँ और आप लोगों को थैंक यू बोलूँगा जो आप लोग बहुत प्यार कर रहे हो। और कुछ ही दिनों में मेरा भी चैनल मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह प्यार करते रहो ना। आज आप लोग शेयर नहीं करते हो वीडियो। आज मैं ऐसे खाली बैठा हुआ हूँ तो कुछ करना चाहिए ना, तो पिछले वीडियो के जैसे आज ना एक स्वादिष्ट डिश बनाऊंगा अपने रूम पे। वो क्या बनाऊंगा मैं बता देता हूँ। भिंडी का चोचोरी बोलते हैं हम लोग, तो भिंडी का सब्जी बोल दो, एकदम ड्राई वाला, एकदम बिल्कुल ड्राई बनाएंगे और मतलब सूखा, तो काफ़ी टेस्टी होता है। मैंने पहले एक बार बनाया था, बहुत टेस्टी हुआ है और इस बार 2nd टाइम बनाऊँगा। तो आप लोगों को प्रोसेस पूरी बताऊंगा, बने रहिएगा वीडियो में। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कीजिएगा। और अभी चलता हूँ, आपको पहले सब्जी को बिठाता हूँ और हाथ से ना ये। और सबसे पहले मैं आपको मेरे किचन में ले जाता हूँ। मेरा छोटा सा स्मॉल सा किचन है, यह मेरा छोटा सा, मुश्किल से मुश्किल इधर से इधर होगा 4 फीट, हाँ, और इधर से 2.5 फीट होगा। देख सकते हो 2.5 फीट से ज़्यादा नहीं है, तो इतना ही सा किचन है मेरा। और देखो ये छोटा सा सिलेंडर और ये रखा हुआ है, ऐसे साफ़ सुथरा रखता हूँ। देख सकते हो थोड़ा सा हल्का सा गंदा दिखाई दे रहा होगा। और अभी मैं देखो सारा चीज़ ना रेडी कर रखा हूँ मैं। भिंडी काट के रेडी है। ये भिंडी इतना बड़े काटने हैं, कम से कम एक उंगली का बराबर। देखो उंगली बराबर हो गया है, तो उंगली बराबर काटना ही है, इसे छोटा नहीं करना चाहिए। तो इसमें प्याज और ये काट रखा हूँ मिर्ची। प्याज कम से कम होना चाहिए 100 ग्राम तो होना चाहिए प्याज। और ये जो है ना इसमें क्या है, इसके लिए चाहिए आपको हल्दी पाउडर है, मिर्ची पाउडर है और सरसों पाउडर है। और इसको मैं पानी में भिगो रखा हूँ, हल्का सा ये फूल जाएगा, ये इसलिए भिगो के रखा हुआ हूँ और सॉफ्ट हो जाएगा। अभी एक कढ़ाई बिठाता हूँ मैं पहले। तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे तेल डाल दिया है, मगर तेल को ना अच्छी तरीके से गर्म कर लेना है, ये याद रखिएगा, नहीं तो वो तेल का खुशबू आएगा सब्जी में। और तेल को ना हल्का सा चारों तरफ ऐसा कर देना है, चारों तरफ लपेटा मार देना है। अगर लपेटा नहीं मारोगे तो बढ़िया नहीं होगा। मुझे लग रहा है तेल ज़्यादा दे दिया और चलो कोई बात नहीं है। तेल गर्म हो गया मेरा, तो सबसे पहले प्याज डाल देता हूँ। हल्का सा फ्राई कर लोगे तो अच्छा रहेगा। अभी इसमें मसाला डाल देना है। तो ये अच्छे से पका लेना है। नीचे चिपक जाएगा, इसको ध्यान में रखना है, तो चिपकने नहीं देना है, तो खराब हो जाएगा, जल जाएगा। ये देख सकते हो काफ़ी अच्छा हो गया ये तैयार। अभी इसमें भिंडी डालना है। और स्टीम को कम कर लेना है, स्टीम कम कर दिया गया है अभी। और इसे ढक के रख देना है, बिल्कुल हल्की आंच में बनाना है ये। और कम से कम ये 15 मिनट लगेंगे, 15-20 मिनट। अब बीच में आके देखते रहना है। ये भिंडी का सब्जी बनाने में कम से कम 15-20 मिनट लगते हैं। और इसको अच्छी तरीके से मतलब फ्राई करना है। और 5-5 मिनट बाद आके इसको मतलब अपने चमचे से ऊपर नीचे करना है। और अभी सब्जी बनने देता हूँ और अभी आपको बताते हैं और कैसे आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो अपने फ़ोटो का। तो चलते हैं लैपटॉप पे। गाइस सबसे पहले यहाँ पे अपना गूगल को खोल लेना है। खोलने के बाद इसमें टाइप करना है आपको, तो आपको सर्च करना है एडोबी एक्सप्रेस। देख सकते हो मैंने एडोबी एक्सप्रेस सर्च किया है और फिर ये पहले वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और फिर यहाँ पे नीचे आ जाना है। तो ये जो देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी आप यहाँ पे बना सकते हो अपने हिसाब से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिमूव बैकग्राउंड लिखा हुआ है, देखो डोगी वाले साइन पे, इसको क्लिक कर लेना है और बिल्कुल फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कोई दिक्कत आएगा तो बता देना मुझे, कमेंट कर देना। तो इसमें देखो यहाँ पे फ़ोटो लाने के लिए बोल रहा है, तो फ़ोटो ले आओ। मैं कोई भी फ़ोटो ले के आता हूँ, मान लीजिए ये देख सकते हो ये फ़ोटो लेके आया हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पे क्लिक हो गया है, बस रिमूव हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल एकदम देखो एकदम क्या नज़ारा है इसका, देखो एकदम बिल्कुल इतना क्लीन करके दिया है। और यहाँ पे बस ये डाउनलोड कर दो, बस हो गया। आपको इतना ही करना है। देखो अभी ओपन करता हूँ मैं, तो देख सकते हो कितना मज़ेदार फ़ोटो मतलब इसने रिमूव बैक इस तरीके से ये रिमूव करके दिया हुआ है। बिल्कुल आसान तरीका है ये, और मैंने पहले काफ़ी परेशान रहता था ये कैसे करूँ, मास्क लगा के करता था, काफ़ी दिक्कत आता था। मगर अभी आजकल यही करता हूँ, इससे मतलब थंबनेल बनाने में बहुत ही आसान होता है। और किसी को पता है तो बताना, किसी को नहीं पता तो ये करके देखना। तो मेरा तो बिल्कुल ओके हो गया, बिल्कुल टकाटक। जितना चाहे उतना फ़ोटो कर सकते हो। तो इस एप्लीकेशन का नाम है एडोबी एक्सप्रेस। आप लोगों को ये जानकारी कैसे लगा बताना, कमेंट करना। और अभी खाना देखता हूँ क्या हो रहा है खाने में, और ऐसा आप लोगों को पता था या नहीं इसके बारे में पता बताइएगा। ये एडोबी एक्सप्रेस है, adobeexpress.com सर्च करो, आ जाएगा। और आते ही आप लोग कर सकते हो इजीली। बाकी प्रोसेस तो मैंने दिखा दिया है, कर लेना। और देखो रूम पर बैठे बैठे मैं बहुत कुछ मतलब सीख रहा हूँ, धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ। काफ़ी चीज़ें हैं जानने के लिए, जो मैं नहीं जानता हूँ वो आप मुझे बताइए, मैं जो जानूँगा वो आप लोग को बताते रहूँगा, जो आपको फ़ायदे होंगे काफ़ी सारे। ये मोबाइल से भी सही है, मोबाइल से भी होता है, मैंने करके चेक कर लिया है बिल्कुल आसानी से। तो ट्राई कर लेना। देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। तो देखो यहाँ पर लग गया है और बाल बच गया ये। और इसको ऐसे भून देना नहीं, ऐसे से नहीं करना है, इसको साबुत रखना है, तो ही मज़ा आएगा खाने में। तो मैं फिर से ढक देता हूँ इसको। गाइस देख सकते हो यहाँ पे खाना मेरा बन चुका है, एकदम बढ़िया सब्जी, एकदम कलर सेम कलर आ गया है, एकदम जैसा होना चाहिए था। तो देख सकते हो, अब सोचो ये कितना टेस्ट लगेगा खाने में। तो ये गैस बंद कर दिया गया है, हो गया मेरा तैयार। अभी खा के बताता हूँ कैसा लगेगा। अभी खाना लेकर आ गया हूँ, अभी आपको टेस्ट करके बताता हूँ कैसा लगेगा। आप देख सकते हो ये मेरा डिश है, ये कल रात में था, ये भी कल रात का ही है, ये सुबह का है और ये अभी बनाया हुआ है। तो देखते इसको टेस्ट करके पहले एक कलर देखो, कलर देखने लायक है सही में दोस्तों। काफ़ी मज़ा आया हुआ है, मतलब काफ़ी टेस्टी हुआ है, काफ़ी मतलब ऐसा खाना कभी कभी बनता है। और सही में भिंडी अगर ऐसा करके खाओगे ना, मज़ा आ जाएगा। भिंडी का सब्जी बनाओ इस तरीके, ये है नया तरीका, चिन्मय भाई का तरीका है। मैं कह नहीं सकता जो इतना टेस्ट हुआ है। तो दोस्तों कमेंट करना जो आप लोगों ने ये बना के खाया है बोल के कैसा लगा बताना। कुछ एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं देना है इसमें। और जो एडोबी एक्सप्रेस है उसमें जाके अपना बैकग्राउंड चेंज करके भी चेक कर लेना। ये जानकारी पहली बार मैंने ही दिया है, ये नया आया हुआ है और काफ़ी मज़ा आएगा आप लोगों को। आप लोग का फ़ोटो इंस्टाग्राम में, फेसबुक में डालने में काफ़ी मज़ा आ जाएंगे सही में। और एडिट करने में भी मज़ा आएगा, कोई वीडियो में अलग से लगा भी सकते हो, काफ़ी मज़ा आएगा। थंबनेल बनाने में भी मज़ा आएंगे। तो कमेंट करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना है। इस वीडियो के लिए तो कर ही देना यार। तो चलते हैं, टाटा बाय बाय।